अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। आज की वीडियो के अंदर आपको परफॉर्म कुछ नहीं करके दिखाऊंगा, जस्ट ये वीडियो थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन के लिए है, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई है यूट्यूब के ऊपर जिसका टाइटल था कि हाउ टू डाउनग्रेड फ्रॉम एंड्रॉयड 12 टू एंड्रॉयड 11। और दोस्तों, उस वीडियो के अंदर मैंने जो मोबाइल फोन यूज किया है उसका मॉडल था पोको X3 Pro। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने वीडियो बनाई थी जहां पर मेरा पोको X3 Pro जो है वो डेड हो गया था, और उसके बाद मैंने कंपनी से क्लेम वगैरह भी करवाया था, मगर अभी मैंने उसको सेल कर दिया हुआ है, मेरे पास वो मोबाइल फोन अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए अभी आपको पोको X3 Pro के ऊपर वीडियो देखने को नहीं मिल रही। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देने वाला हूँ, बिकॉज मैंने वो वीडियो जब बनाई थी तो मुझे काफी लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया था, क्योंकि एंड्रॉयड 12 अभी रिसेंटली इनिशियली लॉन्च हुआ है और उसके अंदर थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि थोड़े से ऐसे फीचर्स हैं जो कि एक नॉर्मल यूजर को जो है वो इतना अट्रैक्ट नहीं करते, और नॉर्मल यूजर उन फीचर से काफी ज्यादा तंग आ जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए मुझसे बहुत से लोगों के कमेंट मुझे रिसीव हुए, बहुत से लोगों के मैसेजेस आए, इंस्टाग्राम पर बहुत लोगों ने मैसेजेस किए, अभी भी एक दो मैसेज अनरीड पड़े हुए होंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूं, ताकि आप लोगों को बता सकूं कि यार उस वीडियो में ये मसला था, और अगर आप उस वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको इन चीजों की रिक्वायरमेंट जो है वो सबसे पहले जरूरी होगी, उसके बाद ही वो वीडियो आप लोगों के लिए जो है वो सही तरह से काम कर पाएगी। दोस्तों, मैंने उस वीडियो के अंदर इतना डिटेल से बताया इसलिए नहीं था कि मुझे लग रहा था कि आवाम के अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस होगी तो लोग खुद ही समझेंगे कि भाई ये भाई किस तरह से कर रहे हैं और हमने इसको किस तरह से करना है। मगर दोस्तों, लोगों को थोड़ा सा इस चीज के मुतालिक इलम नहीं था, तो अभी मैंने सोचा कि क्यों ना एक डेडिकेटेड वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बना दी जाए। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको बता दूं कि मैंने जो मोबाइल फोन यूज किया है वो था पोको X3 Pro, और दोस्तों उस मोबाइल फोन के अंदर मैंने कस्टम रिकवरी जो है वो फ्लैश की हुई थी। कस्टम रिकवरी बेसिकली एक ऐसी ऐसी रिकवरी होती है जिसे के बाद में जो डेवलपर्स हैं वो क्रिएट करते हैं। दोस्तों, कई मर्तबा आपका मोबाइल फोन जो है वो कई मर्तबा आप उसका पासवर्ड भूल जाते हैं, या कई मर्तबा उस मोबाइल फोन में कोई ना कोई इश्यूज आ जाते हैं, तो आप पावर प्लस वॉल्यूम वाले बटन को प्रेस करके वहां से आपने कई मर्तबा अपने मोबाइल फोन को फॉर्मेट किया होगा। और तो कि अभी ये फीचर जो है इतना ज्यादा काम नहीं करता, बिकॉज एंड्रॉइड काफी ज्यादा एडवांस हो गया है, और इस तरह से मोबाइल स्नैचिंग की काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी कि लोग इजीली मोबाइल फोन को फॉर्मेट कर लेते थे। तो अभी दोस्तों एंड्रॉइड वालों ने उसको मजीद सिक्योर कर लिया है, मगर ये एक फीचर होता था, आप लोगों को उसका इलम ही होगा। तो दोस्तों, मैंने उस वीडियो के अंदर वो जो रिकवरी होती है जहां पर आप वॉल्यूम अप और पावर वाले बटन को प्रेस करके अपने मोबाइल फोन के एक स्पेसिफिक मेन्यू में जाते हैं जहां से आप अपने मोबाइल फोन को फॉर्मेट कर सकते हैं, उसे कहते हैं स्टॉक रिकवरी। और दोस्तों, मैंने जो पोको X3 Pro है उसके ऊपर इंस्टॉल की हुई थी कस्टम रिकवरी। कस्टम रिकवरी के थ्रू आप बहुत ज्यादा एडवांस किस्म के प्रोग्राम अपने मोबाइल फोन के अंदर कर सकते हैं, यानी कि अपने मोबाइल फोन को बआसानी रूट कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन के अंदर नए नए मॉड्यूल्स को फ्लैश कर सकते हैं, और इस तरह के बहुत से काम आप कस्टम रिकवरी के थ्रू कर सकते हैं। तो यही वजह है कि मैंने जो पोको X3 Pro को रूट किया हुआ था, उसका बूटलोडर अनलॉक था, उसमें कस्टम रिकवरी फ्लैश थी, जिस वजह से मैंने उसमें नई कस्टम रोम जो है वो फ्लैश कर दी एंड्रॉइड 11 वाली। मगर दोस्तों, अभी आप लोगों के पास अगर ओप्पो का मोबाइल फोन है, या वीवो का है, या इन्फिनिक्स का है, या अभी सैमसंग के भी कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिनकी कस्टम रिकवरीज आपको मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिलती। तो यही वजह है कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भाई हमने वैसा वैसा ही किया, मगर हमारे पास जो है वो हमारा मोबाइल फोन डाउनग्रेड नहीं हो रहा। तो यही वजह है दोस्तों कि ओप्पो, वीवो, इन्फिनिक्स और सैमसंग के भी कुछ मोबाइल, इसके अलावा टेक्नो वगैरह के कुछ मोबाइल फोन जो हैं उनके अंदर कस्टम रिकवरीज जो हैं वो नहीं मिलती, यानी डेवलपर्स उनकी कस्टम रिकवरीज नहीं बनाते। तो यही वजह है कि जब एक मोबाइल फोन की कस्टम रिकवरी ही नहीं है तो उसकी कस्टम रोम भी आपको मार्केट में नहीं देखने को मिलेगी। इसीलिए दोस्तों, आप उन मोबाइल फोन को, यानी ओप्पो, वीवो, इन्फिनिक्स वगैरह जो है, ओप्पो, वीवो, इन्फिनिक्स, सैमसंग, टेक्नो, इन मोबाइल फोन्स के अंदर आप जो है वो इतनी आसानी से डाउनग्रेड नहीं कर सकते। ये मोबाइल फोन जरूर से डाउनग्रेड होंगे, मगर उसके लिए आपको या तो कस्टमर केयर सेंटर को विजिट करना पड़ेगा, वहां पर जाके अपना मोबाइल फोन फिजिकली साथ लेकर जाएं, वो आपको एंड्रॉइड 11 वाला सॉफ्टवेयर जो है वो फ्लैश कर देंगे। अदरवाइज दोस्तों,
अगर आप लोग अपने सॉफ्टवेयर को खुद से फ्लैश करना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर इधर कार्ड में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। वो वीडियो में मैंने बताया था कि आप किस तरह से अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, किस तरह से आपने अपने मोबाइल फोन को कंप्यूटर से अटैच करना है और फिर किस तरह से आपने उस सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल फोन के अंदर फ्लैश करना है। तो दोस्तों यानी ओप्पो वीवो और इस तरह के जो मॉडल्स हैं इनके अंदर आपको इनका सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड 11 वाला नेट से ही डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको आप लोग अपने कंप्यूटर के थ्रू अपने मोबाइल फोन के अंदर फ्लैश कर सकते हैं। यानी जो मैंने तरीका का परफॉर्म किया है एक यूएसबी के जरिए, वो सिर्फ आपके उन्हीं मोबाइल फोन के ऊपर काम करेगा जिनके ऊपर आपकी कस्टम रिकवरीज जो है वो फ्लैश होती हैं या जिनके ऊपर आपकी कस्टम रिकवरीज इंस्टॉल की गई होती हैं। दोस्तों विदाउट कस्टम रिकवरी, विदाउट रूट, विदाउट अनलॉकिंग योर बूट लोडर, आप अपने मोबाइल फोन के अंदर एक नया सॉफ्टवेयर यूएसबी के जरिए फ्लैश नहीं कर सकते। तो यही आज की इस वीडियो का मकसद था। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी है तो आप समझ गए होंगे कि मैंने किस तरह से अपने मोबाइल फोन को डाउनग्रेड किया था और आप लोग अपने मोबाइल फोन को डाउनग्रेड क्यों नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों अगर आप लोग फिर भी चाहते हैं कि किसी मोबाइल फोन के ऊपर दोबारा से एक नई वीडियो बना दूं, जैसे लेट्स सपोज आप लोगों के पास इन्फिनिक्स का है तो आप चाहते हैं कि मैं इन्फिनिक्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं कि इन्फिनिक्स के अंदर सॉफ्टवेयर किस तरह से फ्लैश करना है या सैमसंग के अंदर सॉफ्टवेयर किस तरह से फ्लैश करना है, तो आप कमेंट जरूर से कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं एक हर मोबाइल फोन के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज मैंने एक यूनिवर्सल वीडियो बनाई हुई है, कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा और अभी वीडियो के एंड में भी आपको यहाँ पर लिंक शो हो जाएगा, उस वीडियो पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और उसके थ्रू आप इजीली एक नए सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल फोन के ऊपर फ्लैश कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से करें। आपसे मिलूंगा किसी अगली वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।